होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक 280 किलोमीटर की रेंज के साथ लॉन्च होते ही धूम मचाएगी होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक। होंडा एक्टिवा लॉन्चिंग के बाद से आज तक अपने सेगमेंट की सबसे बेस्ट व्हीकल बनी हुई। इस बीच होंडा एक्टिवा का इलेक्ट्रिक वर्जन हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। ई स्कूटर्स की बढ़ती मांग को देखते हुए अब एक्टिवा के फैंस को अब होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक का बेसब्री से इंतजार है। हम पहले से ही जानते हैं कि होंडा भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन लॉन्च करने पर काम कर रही है, लेकिन एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार होंडा अगले 5 वर्षों में 10 ईवी दोपहिया वाहन लॉन्च करने की संभावना है, जिनमें से पहला होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक होने की संभावना है। होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक में मिल सकता है 280 किलोमीटर का रेंज। इलेक्ट्रिक स्कूटर में दमदार मोटर, बैटरी व परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। हालांकि हर एक चीज के बारे में बारीकी से इसके स्पेसिफिकेशंस की डिटेल ऑफिशियल रूप से जारी नहीं किया गया, लेकिन ऑटो एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाला इलेक्ट्रिक एक्टिवा में 280 किलोमीटर से अधिक की रेंज देखने को मिल सकती है। होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक फीचर्स। एक्टिवा में डिजिटल टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मोबाइल से कनेक्ट करने की कनेक्टिविटी व स्क्रीन अलर्ट फीचर भी मिलने वाले हैं। इसके अलावा राइडिंग मोड, क्रूज कंट्रोल, म्यूजिक प्लेयर, स्पीकर, रिमोट अनलॉक, USB चार्जर, टेलीस्कोप सस्पेंशन, एलॉय व्हील, डिस्क ब्रेक के साथ कई एडवांस टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक प्राइस। होंडा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का किंग बन सकता है। एडवांस फीचर से लेस इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत भी काफी किफायती होने वाली है, ताकि हर एक तबके के लोग इसे खरीद सकें। होंडा कई इलेक्ट्रिक ई स्कूटर करेगा लॉन्च। हैरानी की बात यह है कि होंडा की नज़र पहले साल में दोनों ईवी मॉडलों के बीच 1.5 लाख यूनिट्स का उत्पादन करने पर है। इसके बाद जापानी बाइक निर्माता 2026-27 तक अधिक ईवी दोपहिया वाहनों की शुरुआत के साथ उत्पादन मात्रा को 10 लाख इकाइयों के करीब ले जाने की उम्मीद करता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।